Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about literary criticism and theories. So, इस paper को कैसे prepare करना है, what be the best strategy and how we are going to crack this paper in a short span of time. मतलब कई सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं और हमें strategy को पूरा लेके चलना है for the final examination. So, we are having an exam just in 1 or 2 months. अब एक या दो महीने में एग्जाम्स हैं तो वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी. सीरियसली कोर्स कंटेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा, और हमने जितना सुना है इस पर्टिकुलर पेपर के बारे में दैट वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू इन दिस पर्टिकुलर पेपर. सो गाइस मेक श्योर दैट यू नॉट गोइंग टू मिस इवन अ सिंगल सेकंड वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि इसके अंदर मैं सब बता दूंगा जो आपने करना है इस पेपर के अंदर. तो वही पेपर में पढ़ना क्या है, मेरे पास आता है MEG 5, पॉपुलरली नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज फॉर द इग्नोर स्टूडेंट्स. अच्छा यही पेपर अगर मैं बोलूँ सर के UK निजामिया या मैं बोलूँ बाकी यूनिवर्सिटीज में भी फॉलो होता है विद अ डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट सिलेबस. स्लाइटली डिफरेंट सिलेबस कुछ अलग नहीं है, कोर्स कंटेंट डेफिनेटली सेम रहता है. आपने कहा सर इस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी जनरली. एज यू कैन सी दैट वी आर हैविंग द 8 ब्लॉक्स, सीरीज 8 ब्लॉक्स है. सर इट बीन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन गोज टिल कंटेम्प्ररी, यस कंटेम्प्ररी लिटरेरी थ्योरीज तक जाते हैं हमारे पास. क्या हमें सारे ब्लॉक करने हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड, क्या सारे ब्लॉक करने हैं. बड़े सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर प्लीज सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आया करो, हमें टाइम डेफिनेटली काम है तो चीजें क्लियर करेंगी. गाइस ये सारी चीजें बतानी जरूरी है. पहली चीज, मेरे को सारे ब्लॉक्स नहीं करने, यस आई एम नॉट गोइंग टू डू ईच एंड एवरी ब्लॉक. मुझे पता है किस ब्लॉक से कौन सा टॉपिक आना है, मुझे उसको डील करना है. तो मैंने बात की इंट्रो की, यस आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रो. इंट्रो में मुझे शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर करना है. आई रिपीट, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इंट्रो, दैट्स शॉर्ट नोट्स. आपने कहा शॉर्ट नोट्स कौन से हैं, रसा ध्वनि स्वाटा अलंकार श्रुति, एग्जैक्टली सारे के सारे ऑन टेप है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला, नॉट इवन अ सिंगल थिंग. आपको सारी की सारी शुरू से आखिर तक ऑन टेप लगेंगे. आपने कहा ब्लॉक 1, यस दैट्स इंट्रोडक्शन. आप बोलते हो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इसके फंक्शंस क्या हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, जहां पे चीज को समझना, इंटरप्रेट करना, कंपेयर करना, इवेल्युएट करना, अपने हिसाब से उस चीज को एक अलग डेफिनेशन क्रिएट करना, दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. हाँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन ये बनती है. अब कई लोग बोलते हैं इसको और ज्यादा डिफाइन करें, और ज्यादा समझाएं, फंक्शंस की बात करें. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले समझो, अंडरस्टैंड करो, उसकी फिलॉसफी को क्लियर करो, गो विद द हिस्ट्री एंड देन कम टू द राइटिंग. चार फेज सर ये हैं फंक्शन, दीज आर 4 फंक्शंस जो आपको ऑनटी पहुंची है. आपने कहा शॉर्ट नोट्स, यस वी डू हैव द शॉर्ट नोट्स. एग्जांपल बताऊं मैं, रस ध्वनि Example, these are the examples. Just examples. Along with this, we need to clear one more question, that is, what is literary criticism and its functions. हमें पता होना चाहिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, इसको क्लियर कर लेंगे. ये तो ब्लॉक वन से आता है, तो ब्लॉक वन में जिन्होंने पढ़ना है गाइस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग दैट यू नीड टू डू. आपने ब्लॉक वन ऑन, ब्लॉक वन पहली चॉइस नहीं है, ऑनेस्टली पहली चॉइस नहीं है. हाँ इसको करना पड़ता है क्योंकि ये बिगिनिंग के लिए जरूरी है, तो वी नीड टू गो विद दिस. ये जो आपको मैंने शॉर्ट नोट्स बताए सारे नाट्य शास्त्र से, नाट्य शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी है. इफ यू गाइस हैव सब्सक्राइब माय चैनल ऑलरेडी तो आप लोग आराम से वॉच कर सकते हैं, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड यू कैन गो विद दैट. एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो. क्रैश कोर्स भी शुरू हो जाएगा विद इन 10 डेज, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टू क्रैक यू पेपर इजिली. एंड दोज वांट नोट्स, नीचे नंबर आ रहा है, आप नोट्स ले सकते हैं. नोट्स फ्री नहीं होते गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है. जंप अप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म. आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. इस पेपर में इससे इंपॉर्टेंट ब्लॉक कोई भी नहीं है.
नॉट सीरियसली कोई भी ब्लॉक नहीं है इस ब्लॉक से मोर, क्योंकि इस ब्लॉक से कम 30 मार्क्स अभी पास है, 30 पास होने से 40 नंबर बची है, तो अगर पहले दो ब्लॉक से कर लो तो पास तो आप ऐसे हो जाओगे। तो आपने कहा सर इस ब्लॉक में मेरे को क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आई नीड टू गो विद प्लेटो पॉइंट ऑफ व्यू, यस एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेटो में इमिटेशन मिमेसिस को हम बोलते हैं, आप बोलते हो कैथारसिस, द कॉन्सेप्ट कैथारसिस उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद हम कहा जाएंगे, हम जब करेंगे एरिस्टोटल पे, एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स पोएट्री उसको क्लियर करना है। गाइस नीड टू क्लियर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज टू टूवर्ड्स पोएट्री, हाउ दे ट्रीट द पोएट्री, एक कहता वेस्ट है, एक कहता नहीं इनोवेटिव है, एक कहता है मिसगाइड करती है, एक कहता नहीं ये हमको इंस्पायर करती है, एक कहता है पावरफुल है जो हमारी डेफिनेटली प्रॉम क्रिएट करेगा, ये कहता है लोगों को मोटिवेट करेगा। तो इन पॉइंट्स ऑफ व्यू को हमें पढ़ना जरूरी है, दैट वी कैन गो थ्रू बाय ऑल दिस एंड कैन क्लियर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मेजर पार्ट क्लासिकल क्रिटिसिज्म, आपने कहा हम पढ़ेंगे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन दोनों को पढ़ना आपने, इसमें मिमेसिस या इमिटेशन एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस आपको ऑन्टी पहुंची, हेमरेशिया पेपर में आना चाहिए, ट्रेजेडी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल, आई रिपीट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल पेपर में कंफर्म आएगा। आपने कहा सर ये हैं वो क्वेश्चंस जो इस ब्लॉक से 100% पेपर होते हैं और हमें ऑन टिक होने चाहिए। सर कौन से 6 पॉइंट, 6 एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट द फर्स्ट वन, प्लॉट सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड डिक्शन, सर चार हो गए, फोर्थ सॉन्ग, पांचवां सर दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे पास सर कई सारी चीजें आ रही हैं, तो यहाँ वन बाय वन करके आ रहे हैं चीजों को कैसे क्लियर करेंगे। हमने कहा प्लॉट हमने कर लिया, कैरेक्टर हमें आ गया, हमने कहा सर स्पेक्टिकल की बात नहीं, वो आगे जब करूंगा, प्लॉट आ गया, कैरेक्टर आ गया, देन विल गो टू द सॉन्ग, उसके बाद हमारे डिक्शन के ऊपर, फिर हमारे स्पेक्टिकल्स के ऊपर। सर वन मोर, सीरियसली वन मोर, क्यों डोमिनेंट तो वही है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा कहीं भी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। वो आपके लिए गेस देता हूँ कि आप कहाँ जरूरत हो, ये सारे पॉइंट हमें आने चाहिए, वी शुड नो ओवर दीज टर्म्स। अच्छा ये सारे कैसे क्लियर करेंगे, हाउ आर गोइंग टू क्लियर ऑल दिस, क्या इसको पूरा स्टोरी लाइन में क्लियर करना, इथोस और मिथोस को प्लीज दिमाग में रख लेना, शॉर्ट मोर्स में बोल रहा हूँ, इसमें आ जाता है इथोस एंड मिथोस, आप इथोस किसको बोलते हैं, मिथोस किसको बोलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को प्लीज गो थ्रू जरूर करना। तो ये हो गए हमारा क्लासिकल क्विज, दो ब्लॉक्स, जस्ट टू ब्लॉक्स, एंड यू कैन इजिली पास दिस पेपर विद हेल्प ऑफ दीज टू ब्लॉक्स, लिख के दे रहा हूँ, चेक कर लो ये पेपर में होंगे ही होंगे। अब आते हैं जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट ब्लॉक नंबर 3, रोमांटिक्स, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, माय फेवरेट पार्ट, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ इसमें हमारे रोमांटिक में हमें किसको को पढ़ना है, सो वी गोइंग टू स्टडी विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, पी बी शेले, जस्ट थ्री नेम, तीन नाम, तीन के तीन काम भी बताऊंगा इनके कौन कौन से करने और कैसे करेंगे, करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या होगा बेस्ट वे टू ब्लैक दाना बर्ड। हियर कम नेक्स्ट वन, रोमांटिक क्रिटिसिज्म और वी कैन सी द थ्योरीज, आपने रोमांटिक क्रिटिसिज्म सर इसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसने उसने डिक्शन की बात की, यस यहां उसने डिक्शन की बात की, हियर ही टॉक अबाउट द डिक्शन, डिक्शन को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक एक चीज बताई डिक्शन क्या है, डिक्शन पे काम कैसे करना है, डिक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डिक्शन, सही वो पॉइंट था मैंने मेंशन किया था। अब आपने कहा डिक्शन, लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज यूज इन पोएट्री, पोएट्री में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको डिक्शन बोलते हैं, वो ऐसी होनी चाहिए हम इजिली समझ पाए, वी कैन इजिली ग्रैप इट, आराम से समझ पाए, चीजें काम भी करेंगे, हमारे लिए सही चलेगा, फ्लो में चलेगा, तो उसको होता है डिक्शन, डिक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिक्शन, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और चीजों को फॉलो अप में ले जाएंगे। पहला पॉइंट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, सेकंड अब इसका फैन था एस टी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज, जिसने सपोर्ट किया इसके बात को, इसी के लिए उसने लिखी बायोग्राफी लिटरिया, बायोग्राफी लिटरिया जिसमें चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 में उसने फैंसी और इमेजिनेशन की बात की। अब यहां मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको, ये प्लीज आपना
चैप्टर वो चैप्टर 30 में उसने फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात की जो हमारे कोर्स का पार्ट है। तो आपने कहा यहाँ हमारे एसटी कॉलेज पे तो वर्क ऑफ एसटी कॉलेज फैंसी एंड इमेजिनेशन दैट इज की द फैंसी एंड इमेजिनेशन हमें एंथ्रोपोलॉजी पेपर में आएगा। इनके साथ एक काम और करना पीवी शैले का डिफेंस ऑफ पोएट्री द वर्क ऑफ पीवी शैले डिफेंस ऑफ पोएट्री। अब यहां हमें हर चीज एंथ्रोपोलॉजी व्हाट इज डिफेंस ऑफ पोएट्री उसके कॉन्सेप्ट क्या है कैसे क्लियर करेंगे एक एक चीज को बिगनिंग से लास्ट तक लेके जाना आपने आपके पॉइंट्स सीरियसली बहुत क्लियर हो जी आपको पता हो जी क्या करना है करने का तरीका क्या होगा व्हाट इज द बेसिक पॉइंट्स ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें बहुत ग्रिप कर लेते हो आराम से हर चीज को ऑन टिप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है नंबर को स्कोर करना। एंड आई गारंटी जो बच्चे सिर्फ तीन ब्लॉक्स ऑन टिप कर जाते हैं उनको कभी इस पेपर में पास होने के लाले नहीं पड़ेंगे दे इजिली क्लियर दिस पेपर इजिली अगर खाली ये तीन ब्लॉक्स अच्छे से कर जाते हो। जंप करते हैं आगे क्योंकि हम पास के लिए नहीं कर रहे यार आई वॉन्ट योर मार्क्स टू बी 70-80 इजिली तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। तो आई होप यहाँ पे सब उतार लिया जिन्होंने नहीं उतारा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी मिलने वाला नहीं है फिर आगे चलेंगे हम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ब्लॉक नंबर 4। नो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द ब्लॉक नंबर 4 आई एम गोइंग टू डिस्कस द ब्लॉक नंबर 5 दैट इज मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म लिटरेचर। आप बोलते हो मार्क्सिज्म का लिटरेचर से क्या लेना है व्हाट इज द रोल ऑफ मार्क्सिज्म आप बोलते हो मार्क्सिज्म की बात करते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो सर आर वी गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स हाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर भाई ये लिटरेचर कोई लेना नहीं इसकी साइकोलॉजी को क्लियर करना है। मार्क्सिज्म हाईलाइट करता है ये बोलता है कि जो राइटर है ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिखता है जहां से जिस बैकग्राउंड से हुआ है। तो इसमें आपने कहा फैक्टर्स प्रोडक्शन शॉर्ट नोट में आता है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर पेपर में जो आता है डेफिनेटली आता है पूरे चांसेस होते हैं कि आपको ऑन टिप होना चाहिए। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर जो मेन फुल प्लस क्वेश्चन आता है मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर आई रिपीट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर ये क्वेश्चन बनता है। तो इनके अलावा कुछ नहीं आना मार्क्सिज्म क्वेश्चन 100% पेपर में होगा मार्क्सिज्म का। आपने कहा सर हमें कैसे किया करना है मार्क्सिज्म है क्या मार्क्सिज्म डिफाइन करता है कि जहां पे जिस बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हो आपकी राइटिंग भी वैसी होगी। सपोज यू डेफिनेटली यू बी अ मिडिल क्लास हो या आप रिच हो या पुअर तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्कुल वैसे ही सोचिए और वैसा ही लिखोगे जैसा बैकग्राउंड आपका है तो आप अपने चाहो तो देख के ही लिखते हो तो आपकी सोच आपकी डेवलपमेंट आपकी साइकोलॉजी आपके सराउंडिंग से बनती है। The way you write, the way you narrate the certain factors, वो define करता है कि आपके surrounding के वहां हम highlight करते हैं मार्क्सिज्म को इन डिटेल पढ़ना definitely important है हमारे लिए हम चीजों को समझ भी पाएंगे हमारे concepts को clear करना important है। तो आपने कहा मार्क्सिज्म का concept clear हुआ अब मार्क्सिज्म जैसे आप play करते हो then jump to the next block ये था block number 5 block 4 मैंने skip किया अभी बाद में लेके आऊंगा। block number 6 पे आते हैं that is feminist theories फेमिनिज्म जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो आपके लिए कई सारी चीजें आती हैं जैसे कि लेट्स स्टार्ट विद द विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन सर विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन मेन पॉइंट जिसको आप अवॉइड नहीं करोगे रूम्स ऑफ वन सॉन सेकेंड सेक्स वाइल्डनेस रियली आपने कहा सर ये चार पॉइंट सिर्फ चार पॉइंट इन चारों को क्लियर करो 100% एक 20 नंबर का क्वेश्चन होगा 100%। तो आपने कहा सबसे पहले पहले क्या ना विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन रूम्स ऑफ वन सॉन रूम्स ऑफ वन सॉन द वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ प्लीज डोंट फॉरगेट दिस इसको ऑन टिप कर लेना या कहीं ना कहीं दोनों एज से लिखे थे कुछ अलग ना विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन में भी वुमन को इक्वालिटी की बात की उसको
इनकम बेस कहा गया कि उसको डिपेंड नहीं होना मैन के ऊपर इनकम के लिए, वो हाईलाइट किया गया और वहां भी उसने दोनों पॉइंट है। कम ऑन नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग दैट इज द सेकंड सेक्स साइमन डे वेबियर, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेना है। फिर आते हैं शो वॉल्टर के ऊपर, सर दैट इज रियल। अब वाइल्डनेस की बात करेंगे, आपने कहा सर ये टॉपिक अगर मेरे को क्लियर है तो 100% 20 नंबर क्वेश्चन फेमिनिज्म से मेरे को आता है। जस्ट दीज फोर पेपर के बाद कहीं नहीं आने वाला, लिख लो इसे इसको। दो जो फॉलोइंग नहीं लगता है कि सर सही बताते हैं, या जो पहली बार आया हूँ कहेंगे सर बता भी नहीं बता रहे, प्लीज मेरे इंस्टा आई डी पे जाओ @classyrahul, ठीक है, वहाँ बच्चों के रिजल्ट देखो आपको पता जाएगा, उसके बाद आप भी उसको फॉलो कर देना ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये करते हैं तो, नहीं करते तो अपने मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई। Come to next part. That is the block number. Sir, block number 6 हो गया, block number 7 में आए, block number 7 में कुछ नहीं पढ़ना। Sir, किसको पढ़ना है? Sir, मैं पढ़ लूंगा किसको? मैं पढ़ूंगा deconstruction को, the concept of deconstruction. Yes. Next. पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच डीकंस्ट्रक्शन ब्लॉक नंबर 8, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ब्लॉक नंबर 8, सॉरी ये 7 था हमारा, ठीक है। इसमें हम सर किसी प्ले को लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल किसी प्ले का नाम लिख दिया उस पर पोस्ट मॉडर्न उसको बोला कि आपको डिफाइन करो। यहाँ आप आते हैं ब्लॉक 4 के ऊपर, ब्लॉक 4 में आपने इंटेंशनल फॉलेसी की बात की, आई रिचर्ड का पोइट्री का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। अभी लिख लेना, मैं यहाँ शेयर नहीं कर रहा, फिर बाद में बोलूँगी सर आपने बताया नहीं, पर पेपर में चांसेस कम आने। इंटेंशनल पॉलिसी क्लियर कर लेना, आई रिचर्ड का थ्योरी पढ़ लेना, इंडिजिनस ट्रेडिशनल टैलेंट इसको एक वीक मान लेना। इन सब की वीडियो ऑलरेडी हैं, इनके अलावा कुछ नहीं करना इस पेपर में। तो जिनको लगता ना कि ये पेपर मुश्किल है, गाइस दिस इज द पेपर वी यू कैन स्कोर 80-90 इजिली, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। You really want to get the maximum, don't waste your time, join online course. Bye guys.